आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज आपके लिए बेबी बूटीज लेके आई हूँ, वो भी क्रोशिया से। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत जल्दी बन भी जाता है ये। ये आप 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बना सकती हैं, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो मैंने इसे देखिए 46 मैंने यहाँ पे चेन लिया हुआ है। तो देखिए इसकी लंबाई हमें कितनी रखनी है, 9 इंच के आसपास, और इसकी चौड़ाई देखिए 2.5 इंच के आसपास है। देखिए अब देखिए कैसे करना है, जैसे मैं दिखा देती हूँ। देखिए 3 सेंटीमीटर, और इधर से हम देखेंगे तो इसे 6.5 सेंटीमीटर के आसपास है। देखिए इसे, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसे इतना बना के रेडी करके रखा हुआ है, तो इसे किस तरह से बनाना है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। इसे किस तरह से बनाएंगे हम, सबसे पहले तो हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे। इस तरह से गांठ लगाएं और यहाँ पे हम चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए क्या करेंगे, सेकंड चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर चेन में डालते हुए जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये हमारी पहली लाइन है, इस तरह से हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे। पलटने के बाद सेम इसी जगह क्रोशिया डालेंगे, देखिए यहाँ पे, और इस तरह से इसे बुनाई करेंगे। एक चेन ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें 14 लाइन कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपके आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है आपको। सिंगल क्रोशिया ही बनाना है हमें, ये ध्यान रहे। फिर एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे। देखिए इसी तरह से करते हुए देखिए मैंने 14 लाइन कंप्लीट किया हुआ है इसका। इसकी धारियां कितनी आनी चाहिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक धारी जो बनेगी हमारी वो 2 बार 2 सिलाई बनेगी, एक सीधी एक उल्टी, यानी टोटल मिला के 14, यानी 14 लाइन हमें कंप्लीट करना है। तो ये 7th रो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th रो हमें बनाना है, यानी टोटल मिला के 14 लाइन हमें कंप्लीट करना है। 14 लाइन कंप्लीट करने के बाद धागा आप यहाँ से तोड़ देंगे, और ओके यहाँ हमने बुना है, यहाँ पे यहाँ से धागा कट कर देंगे। और आगे से दिखाती हूँ मैं आपको, या तो आप यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ सकती हैं, तो मैं यहाँ धागा तोड़ के ही बता देती हूँ आपको, ये आसान रहेगा। इस तरह से यहाँ से धागा कट कर देंगे, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम 7 चेन छोड़ देंगे, 6 चेन छोड़ देंगे, 7 चेन में डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे हम क्रोश डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चेन छोड़ने के बाद 7वीं चेन पे हम क्रोश डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसकी बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से लेंगे हम यहाँ से, और 2 चेन बनाएंगे। क्रूस पे धागा लेंगे, अब यहाँ डबल क्रोशिया बनाना, एक चेन छोड़ देंगे और अगली चेन में हम यहाँ पे इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन लेंगे और ये चेन छोड़ देंगे,
एक चेन छोड़ना है, उसके अगले वाले चेन पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और ये चेन छोड़ के इसके अगले वाले चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इधर भी हमें छह चेन छोड़ के सातवें चेन पे हमें इसकी बुनाई करनी है, तो इसी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। ये चेन छोड़ देंगे, जिसमें बुना हुआ है वो चेन छोड़ने वो काउंट नहीं करेंगे, बीच में एक चेन खाली इसे छोड़ देंगे, उसके अगले चेन में हम इसे डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ, उसके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने इसकी यहाँ तक बुनाई कर ली है, छह चेन हमने यहाँ से छोड़ दिया, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब यहाँ हम एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे, अब यहाँ पे डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर इसके बीच में एक डालेंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बीच में डालेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी गैप में भी बनाना है और जो सिंगल क्रोशिया ऊपर है डबल क्रोशिया, उसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, एक यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक यहाँ बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ इसके बीच में, फिर एक यहाँ सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब जो हमने ये तीन की चेन बनाई हुई थी, तो यहाँ पे सेकंड चेन पे डालेंगे, यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे, सेम इसी जगह क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। अब पूरी लाइन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है जूती। आप इसमें रिबन लगाएं या फिर फ्लावर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और यहाँ धागा कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे कट कर लिया। अब इसे इस तरह से रखेंगे हम, बराबर करते हुए, और इसकी सिलाई शुरू करेंगे हम। देखिए यहाँ से सिलाई करते हैं शुरू करेंगे हम यहाँ से। आपको जैसे सुविधा हो जाए उस तरह से सिल सकती हैं। इसी तरह करते हुए मैं पूरी लाइन सिलाई कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि इसमें डोरी कैसे लगाना है, फ्लावर कहाँ लगाएंगे। चलिए तो यहाँ से सिलते हुए हम यहाँ से सिलते हुए देखिए, फिर हम यहाँ तक आएंगे, इसे सिलना है हमें यहाँ तक। फिर से दिखा देती हूँ, इस कोने से शुरू करेंगे जो हम यहाँ तक स्टार्ट बंद करेंगे सिलते हुए, घुमाते हुए यहाँ तक बंद करेंगे। तो चलिए पूरा सिलाई कर लेती हूँ यहाँ से, नॉर्मली सिलाई जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं उसी तरह से। तो देखिए हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लिया, अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से बूट बन के आएगी इसकी। इस तरह से मोड़ेंगे या तो फिर इसे इस तरह से ही रहने देंगे हम।
और इसके यहाँ पे एक फ्लावर लगा देंगे। यहाँ पे एक फ्लावर लगाएंगे यहाँ पे हम, और इस तरह से नॉर्मल एक डोरी हम बनाएंगे, और यहाँ से इसे डोरी हम इस तरह से पार करेंगे। देखिए ये जो हमने बनाया है, यहाँ पे लेंगे और इस तरह से डोरी इसे डालेंगे। ये डोरी बनाने के लिए सिर्फ नॉर्मल हमने चेन बनाया है, देखिए इस तरह करते हुए हम डोरी पार करेंगे। तो देखिए इस तरह से धागा हम इसे डोरी पार कर लेंगे इसमें इस तरह से। तो मेरे पास कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो मैं पहना के कैसे दिखाऊं, तो मैंने इसके अंदर ऊन डाल के इस तरह से दिखा दिया आपको। और यहाँ पे एक आप इस तरह से फ्लावर लगा सकती हैं, फिर इस तरह से आप इसे गांठ बांध सकती हैं, और यहाँ पे मोती लगा लेंगे आप, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा ये जूती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी और बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इस तरह से इसे लगा सकती हैं, या फिर इसे यहाँ पे मोती लगा लें। नॉर्मल आप इसे इसी तरह से रहने दें या फ्लावर लगाएं। जब इसे पैर में पहनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फिट आ जाएगी ये। देखिए इस तरह से लगा देंगे इसे, इसकी सिलाई से नीचे से इस तरह से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, साथ में घंटी आएगी उसे भी दबा दें। चलिए तो फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।